नमस्कार, विमान न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ भारती दास। नजर डालते इस वक्त की खबरों पर। राजस्थान में बरसात ने बरपाया कहर, बने बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राष्ट्रीय वीणा महासभा की ओर से आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी। तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए रंगारंग कार्यक्रम। पहलू खान केस में निःशुल्क पैरवी करेंगे एडवोकेट पूनम चंद भंडारी। राजस्थान में बरसात ने बरपाया कहर, बने बाढ़ के हालात। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। राजस्थान में इस समय इंद्रदेव जबरदस्त मेहरबान है, जमकर हो रही है बारिश से लोगों को मिली राहत। साथ ही किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि पानी की उचित निकास व्यवस्था नहीं होने से जगह जगह पानी का भराव हो गया है। ऐसे में जनजीवन बाधित हो रहा है, जिसके चलते स्कूल और ऑफिस जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई जगहों पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मौके पर भी शहर के कई हिस्सों में खूब बारिश हुई। शुक्रवार को भी यही दौर जारी है। फिलहाल सबसे ज्यादा हाड़ो क्षेत्र में बरसात कहर बरपा रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बता दें कि कई मकानों से लेकर दुकानें पानी में डूब गए हैं। आपको बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ के हालातों के चलते कोटा और झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। साथ ही लोगों को घरों से बाहर निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। बाढ़ के हालातों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसके अलावा NDRF की टीम जलमग्न बस्तियों में लोगों के लिए राहत कार्य में जुटी हुई है। राष्ट्रीय वीणा महासभा की ओर से आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। श्री महावीर जी के शांतिवीर नगर स्थित मीणा धर्मशाला परिसर में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय मीणा महासभा के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मीणा महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिलोक मीणा ने बताया कि आदिवासी दिवस की विधिवत शुरुआत अतिथियों ने बिरसा मुंड के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर मीणा महासभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ BL मीणा ने कहा कि आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, पर सरकारों ने आज़ादी के कई दशकों के बाद भी देश के आदिवासी समुदाय को विकास की दरकार है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सरकारों को आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के मालिकाना हक को बरकरार रखा जाए। सचिव रामचरण पहाड़ी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली बार विश्व आदिवासी दिवस पर ऐच्छिक अवकाश रखकर आदिवासियों के साथ सहानुभूति जताकर उनकी भावनाओं की कदर की है, उसके लिए सरकार को धन्यवाद दिया। इस मौके पर मीणा महासभा ने मीण भगवान मंदिर और धर्मशाला परिसर श्री महावीर को बेशकीमती जमीन दान देने वाले भामाशाह पांचू पटेल, रघुनाथ पटेल, त्रिलोक मीणा और मीणा महासभा में श्रेष्ठ कार्य करने वाले राजेंद्र मीणा और प्रकाश मीणा, हेमराज जगरबाड़, बाबू पटेल सहित अन्यों को आयोजकों की ओर से सम्मानित किया गया। बहनों ने जेल में बंद भाइयों को बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर केंद्रीय कारागृह में जाकर बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी। सुरक्षा जांच के बाद बहनों को जेल के अंदर जाने दिया गया। इसके बाद बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधी और मुंह मीठा कराया। दिल्ली के लाल किले पर दिखी राजस्थानी संस्कृति की झलक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित रंगारंग राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित करने पहुंचे राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा से सुसज्जित 70 महिला सहित पुरुषों का दल सभी के आकर्षण का केंद्र बने। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष आमंत्रण पर राज्य सरकार के दिल्ली स्थित सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा भेजे दल में राजस्थानी पगड़ी और धोती से सजे पुरुषों और परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा से सज धज कर पहुंची महिलाओं ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं लाल किले के प्रांगण में सामान्य दर्शकों ने दल के सुसज्जित महिलाओं और पुरुषों के साथ सेल्फियां लेकर राजस्थानी कला और संस्कृति के प्रति अपने लगाव और प्यार को प्रदर्शित किया। दल के सदस्यों ने इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया। इसके साथ ही अपने अनुशासन से दिल्ली वासियों को प्रभावित किया। पहलू खान केस में निःशुल्क पैरवी करेंगे एडवोकेट पूनम चंद भंडारी। पहलू खान
मॉब लिंचिंग केस में अलवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। पहलू खान के परिजनों के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी इस फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में अपील की बात कही है। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने पहलू खान के परिजनों की ओर से हाई कोर्ट में निःशुल्क पैरवी का ऐलान किया है। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने अपनी ओर से एक बयान जारी करते हुए कहा है कि पहलू खान केस में अदालत के फैसले से कई सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जरूरी है कि हाई कोर्ट में सही पक्ष रखा जाए। इसके साथ ही भंडारी ने कहा कि पहलू खान का परिवार पहले से ही परेशान है, ऐसे में वे हाई कोर्ट में उनकी निःशुल्क पैरवी कर मदद करना चाहते हैं। भंडारी ने शीघ्र ही पहलू खान के परिजनों तक अपना संदेश पहुंचाने की बात कही है। बांसको फाटक में नईनाथ धाम और भूला जाने वाली सड़क के हालात हुए खराब। बांसको फाटक से नईनाथ धाम जाने वाली सड़क के हालात हो रहे हैं खराब। जगह जगह सड़क पर गड्ढे होने से यात्रियों को हो रही है परेशानी। सड़क पर हर जगह खड्डे होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार प्रशासन को भी लिखित में दे दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इस सड़क से करीब 20 गाँव के हजारों लोग इधर से गुजरते हैं। इस दौरान नईनाथ धाम से दूर दराज से आने वाले पदयात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नईनाथ धाम को पर्यटक स्थल के नाम से तो घोषणा कर रहे हैं, इसके अलावा नईनाथ धाम पर दंडवत करने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और 73वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित हुए रंगारंग कार्यक्रम। करौली नादोती उपखंड की ग्राम पंचायत रौसी के राजकीय विद्यालयों की झलकियां देखने को मिली। साथ ही भामाशाहों ने बच्चों के लिए इनामी पिटारे खोले। सीनियर टीचर लोकेश मीणा ने अपने गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप दिए। वीना सीताराम ने सभी स्कूलों में पेन, कॉपी और पानी की बोतलें बांटी। मेघराम मीणा ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों को स्कूल बैग, पेन, कॉपी देकर प्रसन्न किया। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पत्रकार पूंजीलाल मीणा के जन्मदिन पर सम्मान किया गया। खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए VMR News 24/7। नमस्कार।